हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं प्रिंस तिवारी। दोस्तों, आजकल कितने सारे वीडियो बनाए गए हैं कि ये वीडियो हमारा जो है, आप देख रहे होंगे कि स्टार उत्सव, जी अनमोल सिनेमा, मूवीज, सब जो चैनल काटे गए हैं इस पे कितने सारे वीडियो बना दिए गए हैं कि दोस्तों ये हमारी चैनल आ गई है, ऐसे सेटिंग कर लो, वैसे सेटिंग कर लो, ये चैनल चालू हो जाएगी, वो चालू चालू हो जाएगी, ये फ्रिक्वेंसी डाल लो, वो कोड डाल लो। लेकिन दोस्तों, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपका चैनल जो आपसे डीडी फ्री डिश से काटे गए हैं वो कब तक चालू होंगे। दोस्तों, तो आपको अगर ये जानना है कि हमारी डीडी फ्री डिश की जो चैनल काटी गई है वो कब तक चालू होगी, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए, तो मैं आपका टाइम लॉस नहीं करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि कब तक हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर फिर से पुराने चैनल आ जाएंगे। दोस्तों, तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं प्रिंस तिवारी। दोस्तों, आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो के फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, और एक लाइक मेरे वीडियो को कर दीजिए ताकि हमको भी वीडियो बनाने में और खुशी होगी। दोस्तों, तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, हमने तो अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे कितने सारे वीडियो देखे हैं कि ये सेटिंग कर लीजिए। मैंने अभी एक वीडियो देखा था थोड़ी देर पहले कि ये सेटिंग कर लीजिए, ऐसे आप अपडेट कर लीजिए, ऐसे सिस्टम को अपडेट कर लीजिए जिससे आपकी सेटिंग जो आपकी जो चैनल कटी गई वो चालू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल की जो न्यूज देखी थी उसके अनुमानता आपको मैं बता रहा हूं कि मेरा जो चैनल काटा गया है वो चैनल कल यानी कि कल 7 तारीख को यानी कि 7 मार्च को हमारा जो डीडी फ्री डिश से जो 18 चैनल काटे गए हैं वो हमारी चैनल कल यानी कि शाम मैक्सिमम 4:30 बजे के आसपास ऐड होगी। दोस्तों, लेकिन जो आपकी डीडी फ्री डिश से जो चैनल काटे गए ऐसे ऐड नहीं होंगे, उसके लिए आपको कुछ सेटिंग करने होंगे। तो सेटिंग करने के लिए आपको मैं बता देता हूं कि आपको कैसे सेटिंग करने होंगे। दोस्तों, तो आपको सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं अभी चैनल आया नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता देता हूं। ऐसा हमको सूचना मिला था कि ऐसे करने से आपकी डीडी फ्री डिश पे कल शाम के 4:30 बजे के बाद से आपकी जो चैनल है चालू हो जाएगी। दोस्तों, तो आपको सेटिंग कैसे करना है तो देख लीजिए। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मेन्यू का बटन दबा के जाना होगा टीवी लिस्ट। आपको जो मेन्यू का बटन दबाएंगे तो मेन्यू आपकी खोलेगी, तो उसमें सबसे पहले जाना है आपको एडिट प्रोग्राम। एडिट प्रोग्राम में जाने के बाद आपको नीचे दिखेगी ऑल डिलीट प्रोग्राम, ऑल डिलीट कर देना है। उसके बाद फिर से आपको बाहर आने हैं, बाहर आने के बाद फिर से आपको रेडियो मोड में जाना है, और रेडियो मोड में जाने के बाद आपको फिर से आने हैं एडिट प्रोग्राम। एडिट प्रोग्राम में आने के बाद आपको यहां देखिए इसको फिर से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको सिंपली फिर से बाहर आ जाना है, और बाहर आने के बाद आपको आने होंगे सिस्टम अपग्रेड में। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ सो रियली मैंने न्यूज के अनुसार दोस्त सुना था, क्योंकि जो हमारे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म्स के अधिकारी थे वो हमको नहीं हमने उनका न्यूज देख के और पता लगाया कि वो हमारी जो चैनल है वो कब तक चालू होगी। दोस्तों, तो ये आपको जाना होगा प्रोग्राम सेटअप में, मेनू बटन दबाएंगे प्रोग्राम, आपको जाना होगा सिस्टम अपडेट में। सिस्टम अपडेट में जाने के बाद इसको ओपन करने होंगे। दोस्तों, ओपन करने के बाद आपको नीचे आने होंगे, देख लीजिए लिखा होगा सॉफ्टवेयर अपग्रेड। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद आपको जाने होंगे, इसको खोलने होंगे। इसके खोलने के बाद आपकी जो पुरानी वाली सॉफ्टवेयर होगी इस प्रकार दिखेगी। दोस्तों, जो पुरानी वाली आपकी सॉफ्टवेयर होगी वो आपको दिखेगी, पुरानी वाली सॉफ्टवेयर होगी वो कुछ इस प्रकार के दिखेगी। दोस्तों, उस पर लिखा होगा P2P, लेकिन दोस्तों आपकी जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट हुई है उसमें दोस्तों ये चैनल काटी इसलिए गई है कि इस डीडी प्लेटफॉर्म पे 13 नए चैनल ऐड करने थे। दोस्तों, इसलिए इस 18 चैनल का प्रोग्राम कुछ देर के लिए ब्रेक कर दिया गया है, ताकि दोस्तों ब्रेक इसलिए किया गया है कि जो 13 चैनल नए ऐड हुए हैं उसको भी लोग समझे और देखे। दोस्तों, 13 चैनल 5 कैटेगरी के हैं, 5 कैटेगरी में आपको 3 नए लैंग्वेजेस के इसमें चैनल ऐड किए गए हैं। दोस्तों, पहले इसमें था 2 कैटेगरी का था यानी कि हिंदी और न्यूज, लेकिन हिंदी और न्यूज को मद्देनजर रखते हुए इसमें और 3 कैटेगरी के चैनल न्यूज ऐड किए गए हैं। इसके लिए दोस्तों आपकी जो ये प्रमुख चैनल थी इसको थोड़ी दिन के लिए ब्रेक किया गया था। दोस्तों, इसलिए ये सेटिंग फिर से अपग्रेड हुई है, इसलिए और जो 13 चैनल ऐड किए गए थे उसके साथ इस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। दोस्तों, तो आपको फिर से इसको चेंज करना होगा। चेंज कैसे करना है तो आपको देख लीजिए, साइड में दबाएंगे तो आपको दिखेगी P2M पे क्लिक करना है। P2M को क्लिक करने के बाद आपको आने होंगे स्टार्ट पे। स्टार्ट पे आप आने के बाद आपको ओके कर देने होंगे। ओके करने के बाद आपकी जो सिस्टम होगी वो न्यू सिस्टम से अपग्रेड हो जाएगी। दोस्तों, यानी कि न्यू सिस्टम से आपकी जो सेटअप बॉक्स होगी वो लेस हो जाएगी। दोस्तों, तो आपको देख लीजिए ट्रांसफॉर्मर्स फाउंड सॉफ्टवेयर इसको अपडेट हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से मेनू बटन दबाना है और बाहर आ जाना है, और बाहर आने के बाद आपको आने होंगे कैंसिल पर,
और कैंसिल पे आने के बाद फिर से आपको जाने होंगे प्रोग्राम सेटअप पे। दोस्तों इसमें कुछ कोड ऐड नहीं करना है क्योंकि दोस्तों जो P2 लेकिन दोस्तों जो मैंने P2M वाला सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए बताया था इसलिए क्योंकि वो कोई कोड नहीं है, वो जो हमारी सॉफ्टवेयर अपग्रेड होती रहती है यानी कि जो आपकी मोबाइल की वर्जन होती है, जैसे कि आपकी जो मोबाइल की वर्जन स्लो हो जाती है उसके जरिए आपके फास्ट कराते हैं सॉफ्टवेयर चढ़ा के, वैसे ही इसको भी सॉफ्टवेयर देना पड़ता है, इसलिए आपको P2M करना पड़ता है। दोस्तों P2M करेंगे तो आपकी न्यू सिस्टम से अपग्रेड हो जाएगी और फिर से आप जो P2M करने के बाद आपको आने होंगे ऑटो स्कैन पे, ऑटो स्कैन पे आने के बाद आपको ऑटो स्कैन कर देने होंगे। दोस्तों इसमें कोई भी तरह का कुछ छेड़खानी नहीं करना है, इसका जो सेटेलाइट फाउंडेशन है उसको आपको 051/50 ही रहने देना है, उसके बाद आना है फ्री पे, फ्री पे आने के बाद आपको बाइस की क्वालिटी को ऑफ ही रहने देना है, उसके बाद में आपको जो आपके नीचे सजेशन मिलेगी उसको भी ऑफ रहने देना है दोस्तों, उसके बाद ऑटो स्कैन कर देना है। ऑटो स्कैन करने के बाद ये दोस्तों आज नहीं करना है, कल शाम को 4 बजे के बाद करना है दोस्तों, क्योंकि कल शाम को हमारी 4 बजे यानी कि कल 7 तारीख को यानी कि 7/3 को हमारी चैनल फिर से शाम के 4:30 बजे या 4 बजे के आसपास से चालू हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं ये सेटिंग आज इसलिए मैंने बताया कि कल आपको कोई परेशानी ना हो चैनल को ऐड करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऑटो स्कैन कर लेना है। दोस्तों अभी आपको इस सेटअप में हमको न्यू चैनल नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने आज यानी कि 6 तारीख को ये सेटअप कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए आपको ये न्यू जो पुरानी चैनल काटी गई वो नहीं दिखेगी, इसलिए के लिए सॉरी चाहता हूं, क्योंकि कल फिर मैंने सेटअप करके आपको बताऊंगा कि आप नया चैनल कैसे आया, अगर नहीं आते हैं तो हमारी वीडियो में कॉमेंट करके बताएं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो आपको ऑटो स्कैन फुल होने जाने देना है, उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी पुरानी वाली जो चैनल काटी गई वो फिर से ऐड होगी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जो ये आप जो ऑटो स्कैन का मोड देख रहे हैं 100% होने के बाद ही कैंसिल करें तभी आपकी चैनल ऐड हो पाएगी दोस्तों। थैंक यू।